बंग राजयोग। यह राजयोग जब घटित होता है, जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और उसका कोई साथी ग्रह उसे उस निम्नता या उस न्यूनता से उसको निकाल दे, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। आइए समझें कि किस प्रकार से ये घटना घटित होती है। जैसे शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच राशि का है, कन्या राशि में, वहीं पर बुध भी अगर कन्या राशि में विराजमान हो तो शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। अब ये क्या हुआ? ये इसी प्रकार से हुआ कि एक व्यक्ति जो कमजोर था और दूसरा व्यक्ति जो मजबूत था, जो कि ताकतवर था, वो अपनी कुछ शक्ति कमजोर ग्रह को ट्रांसफर कर देता है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, एक आम आदमी जिसको समझ सके, अदरवाइज ये टेक्निकली बहुत गोल गोल है। ये समझिए कि एक कमजोर आदमी है और दूसरा शक्तिशाली आदमी है, या आप ये कह सकते हैं एक बैटरी है जो बहुत वीक हो गई है और बिल्कुल इक्वल टू डेड हो गई है, कि वो डेड के समान हो गई है। दूसरी आप फुल्ली चार्ज बैटरी लगाते हो और उसको आपस में जोड़ देते हो, तो कुछ समय के बाद क्या देखते हैं कि वो जो बैटरी बिल्कुल कमजोर हो गई थी, वो बैटरी भी चार्ज हो गई। अब दोनों ग्रह उनकी स्ट्रेंथ लगभग लगभग एक जैसी आ गई, मतलब जितना उसमें है उतना ही उसमें आ गया। जितना ज्यादा, सपोज करो कि कोई प्लेनेट 100% ताकत लिए हुए है और कोई प्लेनेट 50% ताकत लिए हुए है, और दोनों मिल गए, तो वो क्या करेगा? 20% उसे अपने ट्रांसफर करा देगा, वो भी 70 हो गया, वो भी 70 हो गया। ये वैसे बात हाइपोथेटिकल है, ये सिर्फ समझाने के लिए है ना, कभी ऐसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, परंतु फलित की भाषा कुछ ऐसी ही है। अगर फलित को सीखना है तो इसी तरीके से सीखा जाए। एक पार्ट होता है एस्ट्रोनॉमी और एक पार्ट है प्रेडिक्टिव, दोनों में अंतर है। तो उसी तरीके से जब हम नीच भंग की व्याख्या कर रहे होते हैं तो हमें इतना ही समझना है, कोई भी ग्रह जब कमजोर स्थिति को प्राप्त करता है, या तो जिस ग्रह, जो ग्रह जिस राशि में कमजोर हुआ है उसका राशिनाथ स्वग्रही हो जाए, उच्च का हो जाए, या उससे केंद्रगत हो जाए। फिर से मैं बोलूंगा, जो ग्रह, जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह का उदाहरण लेते हैं, मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच के होते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है, वो मंगल ग्रह के साथ बैठ जाए, चंद्र मंगल एक साथ बैठ गए, तो चंद्रमा स्वग्रही है, मंगल नीच का है, चंद्रमा मंगल को अपनी पावर ट्रांसफर कर देगा, तो मंगल में भी बला बला आ जाएगा, दोनों हो गए बराबर बली, समझ गए बात। दूसरी कंडीशन, ग्रह जिस राशि में नीच का हुआ है, ग्रह जिस राशि में नीच का हुआ है उसका राशिनाथ उच्च का हो जाए, जैसे कि चंद्रमा वृष राशि में चले जाए तो उच्च के हो गए, तो भी वो, क्योंकि उसका डिस्पोजिटर है चंद्रमा, कर्क राशि में मंगल का डिस्पोजिटर चंद्रमा है और वो उच्च के हो गए, तो भी नीच भंग माना जाएगा। एक और तरीका है कि चंद्रमा ना तो स्वग्रही हुए ना ही उच्च के हो गए, परंतु मेष राशि में आकर के बैठ गए,
या तुला में आके बैठ गए या मकर में बैठ गए, तो क्या होगा? क्योंकि मंगल से चंद्रमा केंद्रगत हो गया, ग्रह जो एक स्पेसिफिक राशि में नीच का हो रहा था, उस राशि का राशि नाथ उससे केंद्रगत हो गया। चलिए मैं स्क्रीन पर ले जा करके आपको समझाता हूं, फिर ज्यादा अच्छा आप समझ पाएंगे। एक कुंडली बनाते हैं रफली, और मेष लगन की कुंडली तैयार करते हैं। हम देख रहे हैं यहां पर मंगल हमने फोर्थ हाउस में बिठा दिया। अब एक तरीका तो ये है कि चंद्रमा यहां पर बैठ जाए तो स्वगृही चंद्रमा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि चंद्रमा उच्च राशि में चला जाए, यानी ग्रह उच्च का हो जाए। तीसरा तरीका है कि चाहे वो केंद्र में आ जाए, मंगल से केंद्रगत हो जाए तो भी नीच भंग हो जाएगा। बात समझ में आई? अब प्रश्न ये उठता है, बढ़िया वाला नीच भंग कौन करेगा? किस कंडीशन में नीच भंग अच्छी तरीके से हुआ? एक प्रकार से कौन सी स्थिति जो कमजोर ग्रह है उसमें जो पावरफुल ग्रह है वो अपनी एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर करता है? ये कंपैरेटिव स्टडी है। टेक्निकली तो हम कह सकते हैं कि साहब नीच भंग हो गया, पर हमेशा ध्यान रखिएगा ज्योतिष में स्थितियों का कंपैरिजन है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मंगल से चंद्रमा केंद्रगत है, यानी कि तुला में, मकर में और मेष राशि में चंद्रमा बैठा है, यानी कि मंगल से केंद्र में आ गया। कहने को तो इसने भी नीच भंग कर दिया, पर ये नीच भंग ज्यादा पावरफुल नहीं है। अब उससे ऊपर वाला नीच भंग, वह नीच भंग है जिसमें राशि नाथ, यानी ग्रह जिस राशि में जाकर के नीच में हो रहा है, उस राशि का राशिनाथ उच्च का हो जाए, जैसे चंद्रमा वृष राशि में चला गया तो ये कुछ और सुपीरियर हो गया। सबसे बेस्ट क्या हुआ? जहां पर मंगल नीच का है और चंद्रमा उसी स्थान पर स्वगृही हो जाए तो ये बेस्ट नीच भंग योग माना जाए। क्लियर हुई बात? अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है, आइए देखते हैं। प्रश्न उठता है कि अगर हम यहां पर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? ये क्या होगा? हिल गई स्क्रीन, कोई बात नहीं, आप अपने अपने कॉपियों पे बना लें, मेष लगन की ही कुंडली बनाएं। सप्तम भाव में शनि लिखें और सप्तम भाव में ही सूर्य लिख दें, यानी कि तुला राशि के सूर्य और तुला राशि के ही शनि। क्या ये नीच भंग हुआ? टेक्निकली ये नीच भंग हो गया, पर कैसा? जब नीच भंग हुआ ये प्रश्न जब उठेगा तो अब क्वेश्चन मार्क लगा। क्यों क्वेश्चन मार्क लगा? कि साहब नीच भंग तो हुआ,
पर अपने शत्रु के माध्यम से हुआ, अपने नेचुरल एनिमी के द्वारा हुआ। सूर्य नीच राशि में गए, उन्हें बचाने के लिए कौन आया, उन्हें पावर देने के लिए कौन आया, शनि ग्रह आए, जो कि पावरफुल हैं, उच्च के हैं, तो सूर्य को अच्छा नहीं लगा। कोई आदमी किसी आदमी से ईर्ष्या करता हो और वो बड़ी विकट स्थिति में फंस जाए और उसको बचाने के लिए उसका एनिमी, बेस्ट एनिमी उसके सामने आके उसको चीज से बचा ले जाए, अब बंदा क्या फील करेगा? गिल्टी फील करेगा, यार इतने दिन से तूने ऐसे ही दुश्मन बना रखा था तो बहुत बड़े आदमी निकल गया। या क्या फील करेगा? बेइज्जती फील करेगा कि बेटा तेरे हालात कितने बुरे और उसके हालात कितने सुपीरियर कि आज वो तेरे को देने लायक हो गया। तो गिल्टी, रिग्रेट्स, शर्मिंदा, ऐसे में क्या ग्रह प्रसन्न रह पाएगा? ये कंपैरेटिव स्टडीज हमेशा याद रखना, नीच भंग करते हुए जो भी नीच भंग अपने साथी मित्र ग्रहों के द्वारा होगा वो उत्तम कोटि का माना जाएगा, और जो शत्रु ग्रहों के द्वारा नीच भंग होगा वो उत्तम कोटि का नहीं माना जाएगा। तो जिस भी कुंडली में ऐसा हो, तुला लगन की कुंडली हो या मेष लगन की कुंडली हो या कर्क लगन की कुंडली हो या मकर लगन की, कुछ भी हो, और सूर्य शनि एक साथ बैठ जाएं जिसमें या तो शनि मेष राशि में नीच का हो जाए और सूर्य उच्च के हो जाए मेष राशि में, या तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाए और शनि उच्च के हो जाए, इस तरह का नीच भंग कोई बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं दिखाता। शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, पर उसी राशि में यानी कि मीन राशि में बुध ग्रह नीच के हो जाते हैं। पर यदि दोनों साथ बैठ गए, यानी शुक्र और बुध साथ बैठ गए मीन राशि में, तो इसे कहेंगे बुध ग्रह का नीच भंग हो गया। अब बुध ग्रह का नीच भंग तो हो गया, पर किसके द्वारा हुआ? बेस्ट फ्रेंड के साथ, उत्तम कोटि का नीच भंग माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, मकर राशि का स्वामी शनि मेष राशि में चले जाते हैं, तो शनि ग्रह नीच के हो गए और मेष राशि के स्वामी मंगल मकर राशि में आ जाते हैं, तो राशिनाथ क्या हो गया? उच्च का हो गया, बेशक साथ नहीं बैठे, शनि मेष राशि में ही बैठा है पर मंगल मकर राशि में बैठा है, तो नीच भंग माना जाएगा। पर कैसा नीच भंग हुआ ये? शनि ग्रह का नीच भंग हो गया, टेक्निकली हो गया। अब ये नीच भंग कैसा माना जाएगा? उतना अच्छा नहीं, अच्छा माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा, नहीं 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 अच्छा माना उतना सर, अच्छा नहीं, जी इसमें उतना राशि अच्छा नहीं। परिवर्तन हो रहा है, हालांकि दोनों शत्रु हैं, तो राशि परिवर्तन कर शत्रु सकते हैं। हैं, यही चीज ध्यान रखना है, क्या किसी को अपने शत्रु से मदद लेने में आनंद आता है? क्या आप जब फलित सीखें तो ग्रह को इंसान समझें, और जो इंसान की भावनाएं हैं, जो नेचुरल भावनाएं हैं, उनसे समझने का प्रयास करें तो फलित समझ में आएगा। इसलिए गणित पढ़ने वालों को फलित समझ में नहीं आता है,
डिग्री यंश कला विकला डिविजनल जाट कहां कहां घुस जाएंगे, पर उनसे फलित नहीं होता है। फलित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ग्रह को ग्रह मानते हैं, फलित करते समय भी उनके दिमाग में ग्रह ग्रह ही होता है, वो मैथमेटिक के अनुसार ही घूमते रहते हैं। एक इंसान के बिहेवियर की तरह देखिए, शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं या शत्रुता रखते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। अब उसको मदद लेनी पड़ रही है मंगल की, शनि को मंगल की मदद लेनी पड़ रही है, और वो भी शुक्र मानो मिल रही है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन से मिल रही है। अगर मंगल किसी और राशि में जाके बैठ जाते तो वो भी नहीं मिलती। तो इसे जो राशि परिवर्तन तो हम कह सकते हैं, पर ये राशि परिवर्तन भी शत्रुओं के बीच में ही हुआ है। दो भाई हैं, परम मित्र भी हैं, और एक दूसरे पर फेद करते हैं। वो कहता है तू मेरे घर में आ जा, मैं वो कहता है तू मेरे घर में आ जा, दोनों ने एक्सचेंज कर लिए, नो टेंशन, क्योंकि फेद जाता है। अब हमारा शत्रु कहता है कि तू मेरे घर में आ जा, मैं तेरे घर में आ जाऊं, और सिचुएशन ऐसी कि करना पड़ेगा एक्सचेंज। अब बताओ वो पड़ा पड़ा उसके बारे में सोच रहा है रात को कि पट्टा क्या कर रहा होगा तेरे घर के साथ, और वो भी सोच रहा होगा कि पट्टा मेरे घर के साथ क्या कर रहा होगा, जबकि चाहे वो बेशक एक दूसरे के घर के साथ कुछ नहीं करे, पर उसकी मनोदशा कैसी होगी, सोचने वाली बात है, मनोदशा कैसी होगी। मनोदशा तो उत्तम नहीं हो सकती। दूसरी बात, चलो ये तो पाप ग्रह थे सुलट भी लेंगे, अगर ग्रह ज्यादा सेंसिटिव हो तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर नीच के हो गए, और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन? मंगल। हम मान के चलते हैं कि मंगल ने चंद्रमा का नीच भंग कर दिया। अब समझने वाली बात है, ये अच्छा नीच भंग हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ, ये बढ़िया हो गया। बेशक मंगल पाप ग्रह है, परंतु वो मित्र ग्रह फेत है, एक दूसरे पर फेत करते हैं। सारा मामला फेत का है कि कौन किसके साथ फेत रखता है और कौन किसके साथ नहीं रखता है, चाहे वो मैटर है ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो नीच भंग हो। जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक लग्न में मंगल स्वगृही है, चंद्रमा वहीं पर जाकर के नीच के बैठे हैं, यहां पर ज्यादा लाभ किस तरह से हुआ? चंद्रमा का तो नीच भंग हो गया, क्या चंद्रमा का नीच भंग उत्तम हुआ? क्या ये घटना जो घटी वो किस प्रकार से घटी, मतलब अच्छी हुई या बुरी हुई? एक नेट चल में लगन में मंगल स्वगृही बैठा है, चंद्रमा वहां पर नीच राशि के बैठे हैं, तो वो टेक्निकली नीच भंग हो गया। चंद्रमा नीच का, मंगल वहीं पे स्वगृही बैठ गया, तो टेक्निकली नीच भंग हो गया। पर ये घटना अच्छी हुई या बुरी हुई? बहुत अच्छी हुई गुरुजी, बहुत अच्छी हुई। और कोई जवाब दें? कोई भी घबराया मत करो, पहली बात तो गलती नहीं कर रहे तो समझो बहुत बड़ी गलती कर रहे। ज्योतिष सीखते समय अगर आप गलती नहीं कर रहे हो तो समझो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सर ये अभी बोलिए। एक तो अच्छा हुआ इस सेंस में कि
दोनों मित्र हैं, चंद्रमा का अच्छा नीच भंग हुआ, लेकिन चंद्रमा इसमें नवमेश है और बाधकेश है, तो इसलिए बाधकेश लगन में बैठ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसका तो नीच भंग हो गया, नीच भंग हो गया, लेकिन बाधकेश का रोल तो चंद्रमा ही निभाएगा। अब देखिए प्रताप जी ने बिल्कुल सही चीज को पकड़ लिया, सिंपल सी बात है। अगर अब एक मिनट के लिए मान लो मंगल वहां पर नहीं बैठा, नवम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का वहां पर बैठा है चंद्रमा, मंगल को हम हटा देते हैं। अब ये बताइए ये क्या घटना घटी, अच्छी या बुरी? मंगल हटा दिया, कोई नीच भंग का चक्कर नहीं, केवल वृश्चिक लगन है और चंद्रमा लगन पर बैठा हुआ है। बुरी है सर। अरविंद जी कैसे बुरी? नहीं सर, शोविक है। अच्छा शोविक, सॉरी सॉरी, हाँ शोविक बताइए कैसे बुरी हुई। हाँ वो क्या है कि बाधक ग्रह लग्न में बैठ गया, ठीक है, तो उसका ब्रेन के ऊपर असर हो जाएंगे और वो भी डेबिलेटेड है। सोविक एक चीज का ध्यान बताओ मुझे, बाधक ग्रह कमजोर हो तो अच्छा या मजबूत हो तो अच्छा? बाधक ग्रह कमजोर होने से ही अच्छा है, तो ये तो नीच का हो गया तो अच्छी बात है, मगर वो बाधकता तो खत्म हो गई। मैलिफिक है। देखिए आपके सामने बड़े इस तरह के चीजें उभर करके आएंगी और इनका सामना करे बगैर आप फलित नहीं सीख पाओगे। आपके सामने वृश्चिक लगन का कोई आदमी आ गया और चंद्रमा नीच राशि में बैठा है तो आप इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि सूत्र कहता है यदि बाधीश ग्रह नीच का हो जाए, कमजोर अवस्था में चला जाए तो बाधा खत्म, या कमजोर पड़ गई बाधा, बाधा तो कमजोर हो गई ना भाई, सिंपल सी बात है, बाधा कमजोर पड़ गई तो फिर हम प्रॉब्लम में क्यों? तो ये भी बड़ा टैक्टिकल क्वेश्चन है। मेरे पास एक लड़का है एक्चुअली, हमारे पाठ पूजा करवाता है, मैं मेरे पास उसकी कुंडली है, मैं इसलिए लाइव बताऊंगा आपको इस चीज के बारे में, पर ये थोड़ा सा फ्रिकल एंडेड चीज है तो इसको अपने को बड़े ध्यान से समझना होगा। और कोई कुछ बोलना चाहे? मंगल हटा दिया, चंद्रमा अकेला बैठा है, नीच राशि में बैठा है भैया। गुरुजी चंद्रमा बेशक नीच है लेकिन भाग्य का स्वामी होके लगन में बैठा है तो ये तो अच्छा है, ये तो बिल्कुल बुरा हो गया। विनय जी अगर इसे आप भाग्येश मान ले हो तो बहुत खराब हो गए, तो भाग्य का अधिपति ही नीच का हो गया, उसमें दम कहां बचा? लेकिन लगन में बैठ गया सर, फिर क्या होगा? तो नीच का बैठा भाई। सर लग्नेश अभी स्ट्रांग हो गया यहाँ। लग्नेश का तो स्ट्रांग हो गया, रत्ना जी का क्या गड़बड़ कर रहे हो? नहीं लग्नेश कैसे कर? लग्नेश तो मंगल डिसाइड करेगा ना, मंगल कहीं तो मंगल को हमने हटा दिया, मंगल को हटा दिया, वो सिक्स मंगल को हटा दिया, वो सिक्स का भी स्वामी है मंगल। मंगल को एक मिनट के लिए हमने कहा भाई भूल जाओ, कभी भी ऐसी चीज आ जाए तो ये ध्यान रखना एक साथ कितनी घटनाएं घटी और कौन सा सूत्र इंप्लीमेंट होगा। कोई एक सूत्र इंप्लीमेंट नहीं होगा, सारे के सारे होंगे। नंबर एक बात, अब इसे मान लो कि ये नवम भाव का अधिपति, भूल जाओ एक मिनट के लिए, बाधक है, भूल गए, नवम भाव का अधिपति है और नीच राशि में लगन में बैठा है, भाग्य कमजोर हो गया, पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिता के सुख में कमी आएगी, बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी, भाग्य तरक्की उन्नति नहीं कर पाएगा, बार बार मूर्खता दिखाएगा, बार बार गलती दिखाएगा, सही अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाएगा। नंबर एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात, अब उसी बात को बस शब्द बदल दिए हमने, नवम भाव का अधिपति बाधकेश है, बाधीश ग्रह नीच राशि में चला गया, चंद्रमा नीच का हो गया तो बाधा तो कमजोर पड़ गई, बाधा कमजोर पड़ गई
तो उसके जीवन में जो बाधाएं आएंगी पर वो बड़ी कमजोर होंगी, उनसे वो निकलना बड़ा आसानी से निकल जाएगा। चाहे उसकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, बड़े इजीली निकल जाएगा उससे। जैसे पुलिसिया केस हो गया और कोई पंगा हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई परेशानी हो गई, तो इजीली निकल जाएगा, तो बाधा तो कमजोर पड़ी हुई है। अब ये दो सूत्र हो गए, साइड में कर दो। अब एक सूत्र क्या रह गया कि नीच राशि का चंद्रमा लगन पर बैठा है, नीच राशि का चंद्रमा लगन पर बैठा है। अब आप भूल जाओ ये नमेश है, भूल जाओ ये बादिश है एक मिनट के लिए। अब इसको पकड़ लो कि ये लगन पे नीच राशि का चंद्रमा बैठा है। अब नीच राशि का ग्रह लगन पे कैसा असर करेगा, अब आप उसको इमेजिन कर रहा है। ये तीसरा पॉइंट चल रहा अपना। तो हमने कहा भाई वो क्या करेगा, वो माइंड को फिकल माइंड करेगा, ऐसे पेंडुलम की तरह घुमा देगा, क्योंकि नीच राशि का है। नीच राशि के ग्रह का सिंपल मीनिंग है पास्ट लाइफ का कर्स, पूर्व जन्म का कोई श्राप है चंद्र ग्रह से रिलेटेड। भाई जब ही तो नीच का हुआ, बड़े बुजुर्ग नहीं कहा करते थे, जब उनके साथ धोखा या चीटिंग या कोई फ्रॉड हो जाता था तो बड़े बुजुर्ग कहते थे यार हमने भी पिछले जन्म में ना इसकी गठड़ी उठा के भाग गए होंगे हम, तो इसलिए आज ये हमारी उठा के भाग गया। बेशक हमें लगता है मन को समझाने की बात है, पर ये मन को समझाने की बात नहीं, ज्योतिष इस चीज को प्रूव करता है, ज्योतिष इस चीज को प्रूव करता है। कोई भी ग्रह आपके जीवन में नीच राशि का होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, वो पूर्व जन्म से रिलेटेड कोई कष्ट आपने दिया है जिसके कारण ऐसा होगा। अब चंद्रमा है नीच का, और अब देखो ये किन किन चीजों का कारक है। तो चंद्रमा कारक किसका है, फेफड़ों का, श्वास का, मन का, मां का, पानी का, वाटर का, बॉडी के अंदर पानी का, इन सब का है। ये सब बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी, शुद्ध रूप से कहें तो कफ संबंधी रोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा नीच का बैठा है, नीच ग्रह में रोग देने की संभावना ज्यादा होती है। अभी हमने ये नहीं कहा कि नीच भंग हो गया, और नीच भंग भी हो जाए तो रोग देने की संभावना बराबर रहती है, ध्यान रखना। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नीच भंग का कंसेप्ट नहीं है, वैसे नीच के भंग हो जाए पर वो प्राइमा फेसी नीच के होने का रिजल्ट जरूर देगा। खांसी रहना, जुखाम रहना, नजला रहना, एलर्जी की प्रॉब्लम रहना, श्वास की प्रॉब्लम रहना, अस्थमा रहना, ये करेगा। यानी कि अब आ जाओ चौथे भाव पे, जो चौथी चीज पे, जो है एज ए कारक, जो मैंने अभी अभी बताया। यानी चंद्रमा जब कारक के रूप में देखेंगे तो हम देखेंगे जो जो चंद्रमा से रिलेटेड चीजें हैं, या तो मिलने में समस्या आएगी या मिलेंगी नहीं, दो में से एक काम होगा। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई उसका नीच भंग हो गया, किसी भी कारण से हो गया, तो अब क्या क्या चीजों में सुधार आएगा। अभी अभी हमने बहुत सारी चीजें कही, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कौन सी चीजों में सुधार आएगा। बाकी सभी चीजों में सुधार आ जाएगा सिवाय हेल्थ को छोड़कर, हेल्थ वाले मामले को छोड़ करके बाकी सभी चीजें। जैसे माँ है तो माँ की लंबी उम्र हो जाएगी, पर माँ कष्ट में रहेगी, ये ध्यान रखना, माँ रहेगी कष्ट में, जिंदगी में माँ का स्ट्रगल बहुत रहेगा, बीमारियां जो जो होनी है, मन का अंतर्द्वंद, मन की परेशानियां, मानसिक या इमोशनल डेंट लगना, ये सब घटनाएं को बैलेंस करने की ताकत तो आ जाएगी, क्योंकि नीच भंग हो गया। तो ऐसा नहीं है, नीच भंग में ध्यान रखना,
ऐसा नहीं है कि ये समस्या नहीं आएंगी। नीच भंग का मतलब है पर आप उन समस्याओं से जूझने की हिम्मत और ताकत आपके अंदर होगी। नीच के मंगल का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी भूपति हो जाओगे। प्रॉपर्टी आएगी बट स्ट्रगल बराबर देगी। बड़े प्यार से प्रॉपर्टी नहीं मिलनी। कहीं आपको बेसिक नीच भंग हो गया, मैं ये मान के चलूंगी नीच भंग हो गया, पर प्यार मोहब्बत से भी मान लीजिए गुरु ग्रह नीच का हो गया आपका और उसका नीच भंग भी हो गया। मान लिया कि शनि जो है उच्च राशि में चला गया, तुला में चला गया और हमने मान लिया साहब नीच भंग हो गया। ऐसे में विद्या पढ़ाई बहुत तंग करेगी, बड़ा स्ट्रगल करवाएगी। स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे दो ऑब्स्टेकल्स आएंगी, पर लगे रहोगे तो आ जाएगी। इसका मतलब ये नीच भंग वाला कंसेप्ट विल पावर वाला ज्यादा है, कार्मिक ज्यादा है। यानी कि अड़ गए और डट गए, फिर याद रखना अड़ गए और डट गए तो नीच भंग से फायदा ले लोगे, नहीं भैया कुछ भी नहीं मिलना। फिर से आते हैं हम नरेंद्र मोदी जी के केस पर। नीच भंग हुआ, मां को छोड़ दिया, इमोशनल डेंट लगे, छोटी उम्र में परिवार को छोड़ना पड़ा और जगह 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 घूमते रहे, स्थिरता नहीं मिली, पर लगे रहे और अड़े रहे तो क्या हुआ, मंगल ने परिणाम देने शुरू कर दिए। चंद्रमा ने छोड़ दिए एक हद तक, जब परिणाम दिए उसके बाद मंगल ने परिणाम देने शुरू कर दिए। और जैसे ही मंगल परिणाम देना शुरू करेगा जिंदगी में राइज भी राइज देगा। अभी मोदी जी की जो है मंगल की महादशा लगने वाली है नवंबर दिसंबर में और वो बाउंस बैक करेंगे बहुत जबरदस्त। तो ये मंगल, अब देखो आपने कैसे देखा, चंद्रमा की पहली साइकिल 24 साल, फर्स्ट साइकिल मून की 24 इयर्स, बेहद दुख वाले, बेहद परेशानी वाले, मन को कष्ट पहुंचाने वाले। सेकंड साइकिल 48, 24 दूनी 48, अब 24 में 12 जोड़ लो, 24 में 12 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 36, 36, 36 के बाद इमोशनल डेंट को सहन करने की शक्ति व्यक्ति के पास इतनी आ जाती है कि वो बेपरवाह हो जाता है, भाड़ में जाओ मुझे किसी को कोई लेना देना नहीं। एंड एट द एज ऑफ द 48 अब मंगल वर्क करेगा। चंद्रमा को कहता भाई जो तेने करना था, दुख पाना था वो पा लिया, अब मैं एक्शन करूं। फिर मंगल का एक्शन, तो मंगल का एक्शन होता है, मंगल में लीडरशिप की क्वालिटी है, जूझने की, लड़ने की, भिड़ने की कैपेसिटी है, डिबेट्स करने की कैपेसिटी है, मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, अथॉरिटी की कैपेसिटी है, और वही हुआ। तो आप मोदी जी के सीएम बनने की एज, पीएम बनने की एज आप देखिए साइड में कीजिए, आपको ज्योतिष में कितना ज्यादा क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। कोई भी ग्रह जब नीच राशि में होता है तो अपनी जब उसकी डेढ़ साइकिल पूरी हो जाती है, डेढ़ मतलब एक और आधी, तो वो फिर राहत देनी शुरू कर देता है, कहता है कोई बात नहीं, दे लिया तेरे को जितना कष्ट, पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता कर लिया है, और फिर धीरे 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 उसको ठीक करता। पर जैसे ही दूसरी साइकिल आती है उस ग्रह के नीच के होने का फल या परिणाम जो पहले तक उसको महसूस होते थे महसूस होने बंद हो जाते हैं। ये फल इतने बड़े कीजिए सीक्रेट फार्मूले जो कोई नहीं बताता। जी सर, इसमें हाउस का भी मैटर होता है कि फर्स्ट हाउस में ये होना या सेवेंथ हाउस में होना। ये गाइन किसी भी हाउस में बिठा देना स्वाति जी, जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ना बस उसको लगा देना। जैसे मंगल नीच राशि में हो गया
तो आप पहली नजर में कहिए कि 28 साल तक बेटा मंगल द्वारा पीड़ित रहेगा। मंगल द्वारा घोर पीड़ित। अब 28 को आधा करें 14, 28 में 14 जोड़ लें, कितने हो गए? 12, 44, 42, 42 बयालीस बयालीस साल। जैसे ही उस बंदे का 42वां साल लगेगा, उसके दिमाग में से मंगल के नीच वाले प्रभाव चले जाने शुरू हो जाएंगे। वो दबंग भी होने लग जाएगा, वो घबराएगा नहीं, वो चीजों को बैलेंस करने लग जाएगा। मतलब इतना ताकतवर तो नहीं होगा जैसे एक मंगल उच्च वाला होता है, पर हाँ, अब वो बिल्कुल नीच वाले की तरह भी परिणाम नहीं देगा। अब 28 गुणी 56, पूरी तरह से नीच के मंगल का प्रभाव कब जाएगा? जब वो 56 साल की उम्र में आ जाएगा। अब उसे बिल्कुल दूर दूर तक ही फील नहीं होगा कि तेरा मंगल कमजोर, यानी कि मंगल कमजोर को ऐसे नापो जमीन का मामला। जमीने आएंगी मंगल 42वें में मस्त रहा, फर्स्ट क्लास। ये तो जब है जब उसका नीच भंग नहीं हुआ, फिर तो जब है जब नीच भंग नहीं हुआ। अगर बहुत अच्छी तरह से नीच भंग हो गया, मान लीजिए चंद्रमा ही वहीं बैठ गया, मान लीजिए वहां पर गुरु बैठ गया उच्च का होकर के, मंगल गुरु एक साथ बैठ गए, मंगल तो नीच का है, गुरु उच्च का बैठा है, तो नीच भंग हो गया मंगल का। और गुरु ने कर दिया, चंद्रमा से भी बेहतर तरीके से गुरु करेगा उसका नीच भंग, तो बेस्ट हो गया। फिर तो भैया वो 28 के बाद जमीने जमीने धड़ाधड़, बस 28 तक पहली साइकिल में ही हो जाएगा जो होना होना है। 28 के बाद से ही वो प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी लेता चला जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर 42 ईयर्स लगेंगे उसको। तो ये जब नीच भंग आप देखते हैं, नीच के ग्रहों को देखते हैं, तो इन सूत्रों को सदैव ध्यान में रखें। हाँ जब आपको मौका मिलेगा तो हर ग्रह का एक साइकिल वाला बता दीजिएगा कि किस ग्रह का कितना होता है साल। अभी मौका लगा देते हैं आपका। सूर्य 22वां साल, चंद्रमा 24 साल, शुक्र 25 साल। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आ रही है सर, आ रही है। मंगल 28 साल, गुरु 32 साल, बुध 34 साल, 34, बुध मरकरी और गुरु बुध हो गया, शनि 36 साल, 36। शुक्र कितना होता है? शुक्र 25। ठीक है, क्या चीज है, कैसे क्या है जी शुक्ला साहब? ये सूर्य 22, चंद्रमा 24, शुक्र 25, क्या चीज है, क्या मतलब से? ये ग्रह के एक्टिवेट होने की टाइम को दिखाता है, साल को दिखाता है। जब ग्रह सूर्य 22 उसके बाद, साल एक्टिवेट जब ग्रह अपना फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है, मानते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह आपका स्ट्रेंथ में है, ताकत में है, तो 25वें साल में शुक्र है, तो 25वां जिसको भी लगेगा उसका शुक्र फुली तरह एक्टिवेट हो जाएगा, क्या वो कैसी भी कंडीशन में हो। अब अगर शुक्र नीच राशि में बैठा है तो शुक्र कब एक्टिवेट होगा, यानी उसकी शादी नहीं होगी, नीच का बैठा और नीच भंग नहीं हुआ, तो 25वें साल में 12.5 जोड़ दो। 25वें साल में 12.5 तो 27.5 और 10 37, तो 37वें साल के बाद ही उसका विवाह होगा, क्योंकि शुक्र विवाह को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर नीच भंग हो गया तो फिर बाधा जो है इतनी बड़ी नहीं रहेगी, फिर 25 तक ही रुकावट है, 25 के बाद कभी भी पॉसिबल है। फिर वो दशा और अंतर दशा बहुत कुछ रोल रहेगा।
और कारकों का और का जो भी सप्तम भाव का लॉर्ड है या पद लग्न है उसका रूल रहेगा, उसको मिला जुला करके हिसाब निकलेगा। तो किसी व्यक्ति का विवाह कब तक नहीं हो सकता वो भी पता लगाया जा सकता है। ठीक जी। जैसे अगर सूर्य और शनि या फिर मंगल और गुरु एक दूसरे मैंने अपोजिट में एकदम उच्च और नीच के होते हैं, तो जैसे मंगल और नीच के हों, अगर नीच के हों और ये आवाज कट गई आपकी प्रताप जी। शनि शनि अगर मेष राशि में हो, जी अगर मेष राशि में हो और सूर्य अगर तुला राशि में हो, ठीक है। तो क्या ये किसी तरह से नीच भंग की स्थिति बनती है? देखिए अगर शनि मेष राशि में है, अगर शनि मेष राशि में है और सूर्य तुला राशि में है, तो ये आप समझिए जो तुला राशि कौन है, तुला राशि वह राशि है जो शनि को उच्च करती है। शनि राशि वो है जो शनि को उच्च करती है और मेष राशि वो राशि है जो सूर्य को उच्च करती है। तो ये भी एक प्रकार का टेक्निकल नीच भंग है। तो प्रतापी ये भी एक प्रकार का टेक्निकली नीच भंग है, पर ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कह सकते। नीच भंग कई तरीकों से होता है, लगता गुरु जी सबका यही वो कनेक्शन गड़बड़ा गया। जी गुरु जी वही यही वो नीच भंग है जो भंडारी सर बता रहे थे, नीच दर नीच, नीच दर वो नीच क्या भंडारी बता सर रहे बता रहे थे। थे, वो नीच दर नीच जो कह हमने सकते हो इसको, कह वो सकते हो आप इसको। गुरु जी हमने जो एक कुंडली लगाई थी जो आपने प्रैक्टिस विद गुरु जी कोर्स में, तो पहली कुंडली में सप्तम भाव और एकादश भाव के स्वामियों का नीच दर नीच भंग हो रहा है वहां। अच्छा नहीं मैंने देखी नहीं थी एक्चुअली। बोलते हैं तो हमने उससे सीखा थोड़ा। नहीं प्रताप जी का जो चंद्रमा क्वेश्चन है उसका तो मैं जवाब, चंद्रमा हाँ बोलिए बोलिए। चंद्रमा नीच का हो गया था और फिर मंगल भी नीच का हो गया था। भी नीच का हो गया, हाँ तो वो एक ही बात है ना, जी चंद्रमा भी नीच का हो गया, मंगल भी नीच का हो गया। राशि परिवर्तन ठीक बात है, राशि परिवर्तन अरविंद जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हमने सीखा था कि नीच दर नीच भंडारी सर से। हाँ ये उनका उनकी शब्दावली है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो नीच दर नीच कहते हैं बिल्कुल। पर सबसे बेस्ट जो है, देखिए नीच भंग बहुत सारे तरीकों से हो जाता है, पर जो सबसे ज्यादा प्रमुख है वो यही है जो आपको जल्दी काम आएंगे। बाकी जो टेक्निकली नीच भंग इधर उधर दाएं बाएं से हो भी जाते हैं तो उनके कोई बहुत खास रिजल्ट मिलते नहीं। सबसे उत्तम कोटि का वही है कि जो कोई मित्र ग्रह वहीं पे बैठ जाए, बीच की राशि में वहीं साथ में बैठ जाए। वो मेरा मानना अनुभव में ये आया है कि वो सबसे बढ़िया है। जैसे नरेंद्र मोदी के साथ नीच के चंद्रमा के साथ मंगल बैठ गया, परम मित्र है वहीं बैठ गया जबरदस्त। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कष्ट नहीं सहे होंगे जिंदगी में, मानसिक कष्ट मेरा मानना है, मानसिक प्रताड़ना है उन्होंने बहुत सही होंगे, पर मंगल ने उनको इतनी मजबूती दी कि वो हर परेशानी को बड़े ढंग से सहन करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ये नीच भंग का मतलब होता है। ठीक है हाँ जी। दृष्टि से नीच भंग नहीं होता? ना 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 जगदीश जी, आंखों से देख करके ऐसे काम करने लग गए तो लोग एक दूसरे का घर ही फूंक दे आंखों से देख देख करके। ना 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 इतनी पावर नहीं थी क्या? तो शुक्ला सर ने चैट पर एक सवाल पूछा है कि अगर सूर्य तुला राशि में नीच का है और जी शुक्र साथ बैठा है हाँ तो हो लेकिन गया। अस्त, देखिए अस्त तो पहली अस्त है, मैंने कंसेप्ट कहाँ से शुरू किया,
एक कमजोर आदमी को ताकत दी जा रही है मजबूत आदमी के द्वारा। अब मेरे जैसा जिसके खुद के पास ब्लड नहीं है, वो पहुंच जा ब्लड कैंप में ब्लड देने, डॉक्टर के महाराज तेरे एक बोतल तू देके जाएगा, दो बोतल तेरी चढ़ानी पड़ेगी, तू घर जा, समझ रहे बात को। तो अस्त होने के बाद वो नीच भंग वैसे ही नहीं माना जाएगा। देखो इसीलिए इंसान को इंसान की तरह ग्रहों को रिलेट करोगे ना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो पूरी तरह फंस जाओगे टेक्निकली। अरे यार अस्त भी हो गया, नीच भी हो गया, अब क्या करें? अब किताब नहीं मिल रही है, अब किताब जो मिल रही है वहां पे लिखा हुआ नहीं मिल रहा है कि अस्त हो जाए क्या हो, तो वो समस्या खड़ी होगी। तो उस समस्याओं के समाधान के लिए सुनील वशिष्ठ अवेलेबल है, जो इन ग्रहों को भी इंसानी की तरह सिखाता है, है? जी सर। सर मैं पूछूं? हाँ पूछो पूछो। सर जैसे आपने अभी मोदी जी का एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली यही वाला अगर सातवें भाव में होता है तो भाव का कोई कोई डिफरेंस बनता है कि पहले भाव में? नहीं स्वाति जी, बनता है। हमने 12 भाव को करवाने के लिए 15 दिन लगा दिए, तो भाव कैसे छूट सकते? भाव अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखिए मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो तो बेचारे मंत्री की बेइज्जती है, तो उसे कह दिया जाए तुझे मंत्री बना दिया गया, मंत्री पूछेगा कौन से डिपार्टमेंट का, बोला वो सोच रहे हैं अभी। तुम मान के चलो तुम मंत्री हो, तुम गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो और दो पुलिस वाले ले लो और सबको बताते फिर मैं मंत्री हूं, पर ये हम भी नहीं बताएंगे तुम किसके मंत्री हो, तुम भी मत बताओ किसी को कि तुम किस चीज के मंत्री हो, बस तुम लिख लो कि तुम मंत्री हो। तो उसे कहते मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो, तो बंदा क्या करेगा, वो कहे भाड़ में जाए से बढ़िया तो मंत्री मत बना, कम से कम लोग यूं तो नहीं पूछेंगे, बेइज्जती तो नहीं होगी। तो भाव के बगैर तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, उसी भाव का तो इफेक्ट आएगा सर, आएगा ही आएगा। एक आप बगीचे में बैठ करके चाय पी रहे हैं, एक आप एसी रूम में बैठ के पी रहे हैं, एक फाइव स्टार में बैठ के पी रहे हैं, एक ढाबे पे बैठ के पी रहे हैं, और आप एक कमरे में बैठ के पी रहे हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ के, हर एक के अपने अपने अलग अलग इफेक्ट है। चाय सेम है, बिल्कुल अच्छे से आपने समझाया सर, चाय सेम है। चाय में वही चाय की पत्ती है, वही चीनी है, वही दूध है, वही पानी है। फिर अपने रेस्टोरेंट छोटे मोटे में पीते तो वही चाय 50 रुपए की होती है, फिर वही हम ठेले वाले और थड़ी वाले के पास जाते हैं तो 10 रुपए की मिलती है। बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने, समझ रहे बात। तो पोजिशनिंग का बहुत बड़ा चक्कर है जी सारा। हाँ जी सर। सर राशि परिवर्तन में भी नीच भंग होगा कि नहीं होगा? हाँ हो जाता है, हमारी भी तो पोजीशनिंग ही ठीक नहीं थी। अगर हम भी 5-स्टार होटल में प्रवचन कर रहे होते किसी जमाने में तो हमारी भी पोजीशनिंग बड़ी शानदार होती, हम 10 रुपए की चाय बेच रहे हैं और हमसे घटिया वाली चाय 250 रुपए में बिक रही है, समझ रहे बात में। मुझसे आज कोई कह रहा था कि अरविंद सूद जी 30,000 रुपए ले ले, 50,000 रुपए ले, और हमें तो कोई 5,000 ना देगा राजी। मैं कहा भाई समस्या है, तो वो सारी पोजीशनिंग का खेल है, हमारी पोजीशनिंग ठीक नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है थोड़ा सा है? तो इसी तरह से भाव का, ग्रह का, भावेश का, कारक का, सबका असर है, ऐसा नहीं है कि असर नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। देखो हम मैं सोच रही थी कि दिमाग को उधर हम पहले हाउस में हम बुद्धि पे देंगे जोर, और मून से जो सिग्निफिकेटर है उससे तो वो अफेक्टेड हुए, तो मैं वही कर रही थी, मैं समझ गई। हाँ ये थोड़ी सी गोल गोल भूल भुलैया तो है, तो इसलिए मैं कहता हूँ वन टाइम वन प्रॉब्लम। गुरु जी एक बात बताएंगे, मंगल और चंद्रमा एक जगह कह रहे हैं लेकिन हर दो मतलब सवा दो दिन में वो राशि परिवर्तन कर लेता है, तो वो उसके साथ तो रहा नहीं और पूरे एक महीने में पूरा मतलब चक्कर लगा लेता है, तो ऐसे इसका क्या कैसे हम इसको लेके चलें कि वो आपने हरी जी आपने फोटो तो खिंचवाई होगी? हाँ जी बिल्कुल, हर कोई खिंचवाता है। फोटो का क्या मतलब है, जैसे बटन दबा क्लिक
अब क्लिक होने के बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही आप इस धरती पर अवतरण लेते हैं तो उसी समय एक फोटो खिंच जाती है, और फोटो खिंच जाती है आपके आकाश के तारामंडल की। जिस समय आप इस धरती पर आए उस समय आपके तारामंडल में कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह, कहां पर, किस हाउस में, किस कक्षा में था, उसी के आधार पर सारी जिंदगी चलती है। फिर प्लेनेट कोई कहीं पर भी जाता रहे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गुरु मिथुन राशि में है और वो मिथुन राशि का गुरु इस कंडीशन में है कि 5 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद वो कर्क राशि में जा रहा है। जा रहा है अब जो 4 दिन के बाद आएगा वो कर्क राशि में जाएगा, वो तो बेचारा मिथुन में ही जाएगा। तो 2.25 दिन अगर वो चंद्रमा वृश्चिक राशि में यानी नीच का तो है फोटो खिंच गई सो खिंच गई। अब तो फायदे में वो जो धनु में पहुंच जाएगा, जो धनु के समय में आएगा। तो इसीलिए तो राज ज्योतिषी उस समय मुहूर्त का बड़ा वो रहा करता था कि अगर बच्चे ने जन्म इस समय से इस समय तक लिया के बीच में लिया तो राजा बनेगा, नहीं तो भैया एक सामान्य व्यक्ति रहेगा। तो ग्रहों के तारों की जो ये गणना है, एक तरह से आप ग्रहों को ऐसे भी समझ सकते हैं, ग्रहों से हमें रश्मियां प्राप्त हो रही हैं। वो रश्मियां जो हैं, जो ग्रह नीच का है तो उसकी पूरी रश्मि हम तक नहीं प्राप्त होगी। जैसे चंद्रमा नीच का हो गया तो चंद्रमा की रश्मियां उस इंसान तक नहीं पहुंचेंगी उस क्षण में, तो सारी जिंदगी उसके शरीर में चंद्रमा की कमी रहेगी। अब चंद्रमा की कमी का क्या मतलब हुआ? चंद्रमा मानसिक शांति, शीतलता, चंचलता और कल्पना, खुश रहने की प्रवृत्ति ये देता है। चंद्रमा एंजॉय को बड़ी वो देता है, इसलिए वो कविताएं पढ़ता है, प्रेम की कविताएं पढ़ता है। वो शोरे का कवि नहीं होता, प्रेम का कवि होता है। समझे कि नहीं समझे बात? तो इस प्रकार से वो हमेशा गर्म मिजाज का रहेगा, तुनक मिजाज रहेगा, क्योंकि जन्म के समय चंद्रमा की रश्मियां उसे प्राप्त नहीं हुई थी। चंद्रमा की रश्मियां जब प्राप्त नहीं हुई तो चंद्रमा आज जल का कारक है, उसके शरीर में जो जल है वो अनबैलेंस हो जाएगा, इसीलिए उसको कफ की प्रॉब्लम होगी। कफ की प्रॉब्लम जब होती है, जब शरीर में जल अनबैलेंस हो जाता है तो कफ हो जाता है। कभी ठंड ज्यादा लगेगी, कभी गर्मी ज्यादा लगेगी, उसकी जान को जोखिम है। सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंड, तो भरोसा नहीं क्या होगा। तो बाहर निकला तो ठंड लग गई, घर में घुसा तो ठंड लग गई। तो ठंड की जो समस्या है ये कफ के अनबैलेंस को दिखाती है। छाती के रोग, फेफड़े के रोग, श्वास के रोग, श्वास नली के रोग, ये सारे के सारे चंद्रमा के दूषित होने से होता है। अस्थमा, टीबी, आगे चल करके कैंसर भी। तो ये जिस समय आप पैदा हो रहे हो उस समय की जो फोटो खिंच गई वो पूरे जीवन भर हमारे जीवन में असर करते हैं ग्रह की रश्मि। हम अंगूठियों से क्या करते हैं? हम अंगूठियों से सोचते हैं कि भाई रश्मियां प्राप्त कर ले। भाई यही तो रीजन है, जो जन्म के समय हमें नहीं प्राप्त हो पाया वो दूसरे माध्यमों से हम प्राप्त कर ले, चाहे वो रतन हो, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे पाठ पूजा हो, हम उस ग्रह को आकर्षित कर रहे हैं, हम उस ग्रह की ताकत शक्ति को बढ़ा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो ग्रह की ताकत ऑलरेडी बढ़ी हुई है उसका रतन पहन के क्या करोगे, वो पहले ही ज्यादा है। मान लीजिए शनि उच्च का है किसी का,
और वो फिर आप नीलम पहन के बैठ गए, महाबेवकूफी है। शनि की रश्मियां सबसे कम चाहिए, जीवन में ध्यान रखिए, शनि की रश्मियां हमें सबसे कम चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने क्या करा, शनि को हमसे बहुत दूर सौर मंडल में सबसे लास्ट में टिका दिया, ताकि उनका प्रकाश पूरा ढंग से ना पहुंच पाए, क्योंकि हमें ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है, थोड़े से की जरूरत है। और वो ऑलरेडी शनि उच्च के हो गए, ताकतवर हो गए, ऊपर से आपने नीलम और धारण कर लिया, क्या कर रहे हैं आप, शनि की रश्मियों को और बढ़ा दिया, स्नायु रोग हो जाएंगे, स्नायु तंत्र मंडल के रोग हो जाएंगे, सेपरेटिव हो जाओगे भाई, किसी से बात करके ही खुश नहीं, किसी से मिलके ही खुश नहीं, तो क्या लाभ होगा नीलम का। फिर कहेंगे साहब 2 लाख का नीलम पहना, 3 लाख का नीलम पहना, बिल्कुल मजा नहीं आया, दिमाग और खराब हो गया। तो रतन धारण करने समय फर्स्ट आपको ग्रह स्थिति का डायग्नोस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रह का बलाबल फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। रतन धारण करने की सबसे उत्तम टेक्निक, सर्वप्रथम ग्रह का बलाबल प्राप्त करो, नहीं सॉरी वो करो कि भाई पता लगाओ, ग्रह का बल निकालना सीखो, तो उसके बाद आप कोई रतन धारण कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। शनि की, गुरु जी शनि की रश्मियां कम चाहिए, हाँ वो ऑटोमेटिक कम चाहिए, तो जिनका शनि अगर थोड़ा नीच में चला गया तो उन वो लकी उनके है क्या, पास है ही नहीं, उन्हें सनवाइक प्रॉब्लम है ही नहीं, जिनके पास शनि पहले से कमजोर है उन्हें सनवाइक रोग होते हैं। सनवाइक रोग को इंग्लिश में बोलते थे नर्व रिलेटेड। अब जो नर्व हैं, आवाज आ रही है मेरी, लगता गया आ रही है सर, और ये नर्व संबंधी, नर्व जो है हमारी हार्ट में भी पहुंचती है, हमारे ब्रेन में भी पहुंचती है, तो हार्ट से रिलेटेड घबराहट होना, दिमाग में आप मस्तिष्क में हलचले होना, न्यूरोलॉजिकल, आप न्यूरोलॉजिकल कह सकते हो, पार्किंसंस का रोग होना जिसे हाथ में कंपन होती रहती है, है ना, ये सब चीजें होना, या डिमेंशिया की प्रॉब्लम होना, ये सब चीजें हैं, ये सर्वाइक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा, या आपकी जो वेन्स हैं वो थोड़ा कमजोर पड़ती जा रही हैं, उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है विनय जी, आपके लिए बहुत बढ़िया है चीज, है ना, जी जी जी, हाँ, तो डॉक्टरी के साथ पहले कहिए, पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए, फिर मैं इलाज करूंगा। सर पढ़ा दीजिए, सिखा दीजिए, तो आप चेक कीजिए, जैसे देखे चेक करना है कि शनि की जो है कितनी आपको रश्मि चाहिए कितनी नहीं चाहिए। एक इंसान खूब खुश कैसे रहेगा, उसको चंद्रमा की प्रॉपर रश्मियां रहनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट इज द मून, नहीं छोटी छोटी बात पे उदास निराश हो जाएगा, उसकी बात अगर किसी ने नहीं मानी तो तुरंत नाराज मुंह बना के बैठ जाएगा, बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि मानसिक शीतलता मन का आनंद चंद्रमा के द्वारा आता है। हाँ ये बात अलग है, कलयुग में चंद्रमा का कमजोर होना अच्छी बात है, क्योंकि वो स्वार्थ की तरफ ले जाता है, व्यक्ति हर समय अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगा रहता है कि किसी तरह बस मेरा काम बन जाए बाकी देखा जाएगा। तो उस वजह से वो पैसा तो निकाल लेता है, पैसा पुसा तो बना लेता काफी अच्छा, पर जहां पर बात हैप्पीनेस की आएगी वहां पर उसे चूकना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर सूर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, पहले सन सॉरी पहले मून फिर सूर्य। अब देखो अभी तक शिक्षा नहीं आई है, अभी तक शिक्षा नहीं आई है,
सबसे पहले मन का खुश रहना बहुत जरूरी है, फिर तन का खुश होना बहुत जरूरी है, तन मैंने शरीर जो सूर्य से आता है, हमारी आत्मा, हमारे जीवन की सच्चाई, सिद्धांत, एक अनपढ़ आदमी पे भी हो सकते हैं और वो भी बहुत अच्छा इंसान हो सकता है। तो इसे सूर्य और चंद्रमा ये निहायत आवश्यक है। फिर है गुरु, तीसरे नंबर पर गुरु यानी गाइडेंस, चाहे आप गाइडेंस आपके गार्जियन की हो, चाहे टीचर की हो, गुरु की हो, मित्र की हो, बड़े भाई की हो, आपको कोई गाइड करने वाला समझदार व्यक्ति आपके जीवन में होना ही चाहिए। फिर है बुद्ध, इन सब कामों के लिए खोपड़ी टनाटन चाहिए, नहीं तो अगर खोपड़ी में नहीं घुसा तो किसी को मान के नहीं देगा, वो कहेगा मैं किसी को घुसने भी नहीं दूंगा ना, वो फिर चंद्रमा को माने, फिर ना सूर्य को माने, ना गुरु को माने। तो बुद्ध एकदम टनाटन होना चाहिए। जब ये चार चीज बेहतर तरीके से होती है फिर शुक्र शनि सब अपने आप आ जाते। चंद्रमा शुक्र की कमी को काफी हद तक पूरा कर देता है, इसलिए चंद्रमा में और शुक्र में अंतर करना, मतलब किसी के व्यवहार से, व्यवहार देख करके, जब बड़ा बारीक अंतर है, चंद्रमा वाला बड़ा सेंसिटिव मिलेगा, इमोशनल मिलेगा, तो शुक्र वाला भी बड़ा सेंसिटिव मिलेगा और इमोशनल मिलेगा। देखो समानता, चंद्रमा टेस्ट का शौकीन तो शुक्र भी टेस्ट का शौकीन, चंद्रमा भी सजने धवरने में बड़ा ऑर्नामेंट्स पहनेगा, कुछ ना मिले तो फूल ही लगा के घूमता रहेगा। अब फर्क इतना है, चंद्रमा वाला अमेरिकन डायमंड पहन के भी खुश हो जाएगा, जो शुक्र वाला है वो कहेगा पहनूंगा तो ओरिजिनल डायमंड पहनूंगा, पर फर्क इतना है। अच्छा, चंद्रमा वाला बेचारा जंगल के फूल लगा के भी अपने बढ़िया बढ़िया सज धज के एकदम टाटम, उसको उसको खुशी मिल रही थी, बाहर में जाओ, असली नकली से कोई लेना देना नहीं। जैसे वो कहता ना, हे चांद आज बड़ी तेज गति से चले जा रहे हो, कभी बादल में से निकलते हो, कभी बादल में छुप जाते हो, मतलब चांद से वार्तालाप कर रहा है, ये चंद्रमा है, वो इमोशनल आदमी, वो चांद से बिल्कुल बात कर सकता है, बस शुक्र यहाँ पीछे रह जाता है। शुक्र कहता नहीं चांद तुम बहुत दूर हो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि शुक्र अपने आप को बहुत समझदार समझता है, समझे भी क्यों ना भाई, गुरु है। और चंद्रमा समझ और ना समझ में कोई अंतर ही नहीं रहता, जब वो इमोशंस में बहता है उसके लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी परफेक्ट सिचुएशन है। इसीलिए चंद्रमा मन ही मन में कहां से कहां पहुंच जाए कहना बड़ा मुश्किल है। शुक्र इस मामले में काफी हद तक प्रैक्टिकल है। तो सर, चंद्रमा शुक्र की कमी को पूरा कर देता है, उसी तरह शुक्र क्या भी चंद्रमा की कमी को थोड़ा पूरा कर सकता है? पूरी तरह तो नहीं। अच्छा, कुछ आदत, थोड़ा बहुत, मतलब अंतर तो पता लग जाएगा आपको। शुक्र वाला व्यक्ति ब्रांड कॉन्शियस होता, चंद्रमा वो ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ सारा मामला आके टिकता है ब्रांड के ऊपर। जंगल के फूल लगा के भी खुश है। देखिए, महिला में, किसी भी फीमेल में, किसी भी महिला में चंद्र और शुक्र दो ग्रह ये बड़े भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उनमें चंद्रमा का इमोशन, चंद्रमा की सेंसिटिविटी भी है, तो शुक्र का नेचुरल सजने सवरने का गुण भी है, और ऑर्नामेंट्स गहनों के प्रति, ओरिजिनल सोने के गहने उनके प्रति एक झुकाव भी है। अब आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी नहीं है तो भी गुजारा चल जाएगा, उस
उसको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं कि तनिष्क का डायमंड है कि टाटा का है कि बाटा का। वो कह रहा जहां से सस्ता मिलेगा वहां से ले लूंगा, मोहर की कोई जरूरत नहीं होगी, जो 20,000 पे सस्ता देगा मैं वहां जाके ले लूंगा। समझ बात को? यस सर। तो जैसे महिला प्रेस लेगी तो उसमें अगर उसको ब्रांड मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। पुरुष ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, पर वो कम होते हैं जिनकी कुंडली में फिर शुक्र ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वही फिर जो पुरुष होते हैं वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। अदरवाइज उनमें नेचुरल एबिलिटी नहीं है ब्रांड की तरफ जाने की। सुनो ना बात को, ना आदमी का बस चले तो बस वो अपना गुजारा करने के चक्कर में पड़ा रहे, उसको कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। तो जैसे फिल्म थी ना बॉर्डर, आपने उसमें एक सीन देखा होगा, अमरीश पुरी की लड़की, क्या नाम होता है उसका, एक मुस्लिम नाम होता है, अमीशा पटेल। तो एक लेडीज के यहाँ पर रुकती है, रात काटती है, तो वो लेडीज उससे कहती है रोज एक गहना तू मुझे देगी। तो उसका पति उसको डांटता है, डांटता क्या पीटता है कि तू इतने बड़े आदमी की लड़की से रोज एक गहना वसूल करती है। तो उस समय वो क्या डायलॉग बोलती है, वो कहती है कि भाई देखो तेरे साथ रह के तो मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई, कभी हमने तो गहने की शक्ल देखी नहीं, आज ये मौका आया और इसको मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, चाहे तू जो मर्जी कर ले मैं तो गहने लूंगी, गहने लेने के बाद चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं मरी जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, पर गहने तो मैं लेके मानूंगी। तो ये जिस भी राइटर ने मैं लिखा, तो कुछ राइटर वास्तव में बड़ा प्रैक्टिकल लिखते, मेरे को जब मैं उस सीन को याद करता हूँ मैंने कहा बड़ा प्रैक्टिकल लिखा। अच्छा मैं जब फिल्म देखता हूँ तो उसमें भी एस्ट्रोलॉजी मिक्स करके दिखा रहता हूँ कि राइटर ने कितना एस्ट्रोलॉजिकली करेक्ट लिखा है और कितना नहीं। अच्छा जो भी राइटर एस्ट्रोलॉजिकली करेक्ट नहीं लिखता मैं उसकी फिल्म वहीं पे बंद कर देता हूँ। मैंने कहा भैया एस्ट्रोलॉजिकली करेक्ट नहीं है, इसमें राहु का गुण ज्यादा है तो राहु के ऊपर सवार नहीं होने देना। जो बेमतलब की उटपटांग फिल्में होती है राहु प्रधान है, वो साउथ इंडियन जो फिल्में होती हैं, कोई कहीं से उछल उछल के आ रहा है, कुछ चक्कर काटता हुआ सा आ रहा है, वो एक मुक्का मारेगा वो चार चक्कर घूम रहा है, वो कभी कभी गलती से लग जाती है फिल्में, अरे बाप रे क्या लगा दिया ये, बंद करो ये तो राहु लगा दिया साक्षात, इसका पता ही नहीं चल रहा है। वो एक एक हीरो 50-50 को मार रहा है, 20-20 को मार रहा है, हम तो सोचते थे बॉलीवुड में ही ड्रामा जा रहा है, यहाँ तो उससे भी बड़े वाला है, यहाँ तो और भी बड़ा राहु है। चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? हाँ जी बताइए। सर मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न थे, एक तो नीच के ग्रह को उच्च का कैसे बनाया जाता है? ये तो रहस्य की बात है, बता तो दूं जगदीश जी पर उसके रुपए लगेंगे 11,000। कोई बात नहीं सर। बताओ कौन से नीच के ग्रह को उच्च का करना है, बिल बना के भेजवा दूंगा, आजकल बिल वाला बिठा रखा मैंने, पुराना वक्त गया। और एक अष्ट ग्रह को मतलब? नहीं नहीं नीच पे टिके रहो, मैं कह रहा हूँ नीच पे टिके रहो, भी कौन से नीच के को उच्च का करना है? शनि को सर, शनि को। सर ये आपकी मैं पुरानी वीडियो सुन रहा था, उसमें बताया था कि भाई कभी मूड हुआ तो ये बताऊंगा कि उच्च नीच के ग्रह को भी उच्च का कैसे बनाया जाता है, वहाँ कोई जिक्र नहीं किया। वैसे पर्टिकुलर है मेरे पास भी, मैं तो अभी भी तैयार बैठा हूँ। तो मेरे पास तो ऐसी कोई कुंडली नहीं है इस टाइम सर, मेरी तो खुद नहीं वैसी, मैं तो सीखने के लिए। मान लीजिए चलो एक ही एग्जांपल दूंगा मैं जी, है ना, बाकी आप एक ध्यान अपना बना लीजिएगा। ये वैदिक तरीका है, ये कोई तांत्रिक या लाल किताब का तरीका नहीं है, पहले मैं बता दूं जी, और वो काम करता भी नहीं है, ये काम बहुत बड़े करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सूर्य नीच राशि का है, नीच राशि का सूर्य है, तो आपने ध्यान करना है कि गोचर में जो ग्रह अभी नीच के को उच्च का हम बनाना चाहते हैं, या उच्च ऐसे नहीं बोलना चाहिए वैसे तो, ये मैं भी गलत बोल रहा हूँ कि नीच का ग्रह उच्च का बना दिया, उच्च के समान फल प्राप्त होने लग जाए, ग्रह से उच्च के समान फल प्राप्त होने लग जाए। इसका मेथड ये है कि अब आपने देखना है
कि सूर्य कौन से महीने में उच्च का होता है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि अप्रैल का महीना होता है और सूर्य उच्च का होता है। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य उच्च का होता है, ये चीज करेक्ट है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्या में सूर्य के साथ जो महाविद्या जुड़ी हुई है वो है मातंगी। यस सर। मतंग मुनि पूजिता से मातंगी, तो मातंगी देवी के का पुरुष चरण पूरा करना है, मतलब इस 15 अप्रैल से 15 मई तक यानी कि 30 दिनों तक मातंगी महाविद्या की साधना करनी है। अगले पूरे वर्ष तक सूर्य बहुत बढ़िया परिणाम देगा, उच्च के समान फल प्राप्त होंगे। ये सीक्रेट किसी को बताना मत, आज आप लोगों की किस्मत अच्छी है जो फटाफट धड़ाधड़ हो गया। तो शनि को उच्च करना हो गुरुजी, तो जब शनि उच्च के होंगे, जब शनि उच्च के होंगे तो तुला राशि में, जब शनि तुला में आएंगे, हाँ 25 साल में एक बार होगी ये घटना, या हो सके कि आप सिंह राशि के हो या उसके हो तो बात अलग है ना, परंतु आप देख लीजिएगा कि जो है कब जाकर के शनि उच्च के होंगे। जैसे समय शनि स्वग्रही है और शनि ग्रह का संबंध माँ काली के साथ है, तो माँ काली की साधना करनी चाहिए। तो शनि जो है उच्च का परिणाम देंगे। अभी तो शनि है मकर में, अभी जैसे मकर राशि में तो स्वग्रह ही है, पर मेरा ये मानना है, मेरा अपना मानना है, पुस्तक में तो नहीं लिखा ये बात, कि तो मेरा मानना है कि मकर राशि का जब शनि हो तो भी माँ काली की साधना करना उत्तम है, पर इस समय ध्यान रहे बकरी चल रही है, बकरी के समय नहीं, बकरी ग्रह साधनाओं में बहुत ज्यादा सफलता नहीं देते। माँ काली को कैसे पूजें सर? वो तो मैं मंत्र तंत्र वाली क्लास में पूरा एक एक महाविद्या के बारे में कराएंगे, क्योंकि अभी तो लेट बहुत हो रहे, लंबा विषय, और आपने छेड़ भी तार गलत दिए, वो 10 महाविद्याओं है जो अभी एक डेढ़ घंटे से पहले तो मेरा पूरा होगा नहीं, और मैं फिर भाव में बह गया तो मैं बेहतर चला जाऊंगा, यू यू करके है। देखिए कुछ टॉपिक मेरे बड़े प्रिय है, मंत्र वाले, तंत्र वाले, स्पिरिचुअल, आत्मा, परमात्मा, ये कुछ विषय मेरे बड़े मनपसंद के विषय हैं, है ना, तो उनको ज्योतिष से जोड़ना, उनको देखना, ये सब जो है ना मुझे बड़ा पैशनेट, मुझे अच्छा वो लगता है बहुत ज्यादा। हस्तरेखा मेरा बड़ा पैशनेट सब्जेक्ट है, या फिलॉसफी में बात करना या दार्शनिक बातें करना, ज्योतिष को दार्शनिक तरीके से बताना समझाना जो है। आपने गुरुजी जो किताब लिखी है, आपने जो किताब लिखी है वो तो इसी इसी लाइन पे है, इसी धारा पे है, पूरी इस धारा पे है, पूरी इसी धारा पे है। पढ़ के देखिए, मतलब वो पूरा का पूरा एक एक राशि पे बड़ा दिमाग लगा है, कहां कहां से मेरे लिखे हुए चीजों को मैंने पकड़ा है, उठाया है, मैंने कहा रिदम बनाने की जरूरत नहीं, रिदम जैसी चल रही है वैसी रिदम बनेगी, तो अपने ही पुराने वीडियो से इनसे उनसे चीजों को पकड़ पकड़ के, तो बुक राशियों पे देखो, ये अपनी पुस्तक है इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, अभी तक हर आदमी ने तारीफ की है, और मैं भी मानता हूं कि जो व्यक्ति इन राशियों के बारे में पढ़ लेगा वो मतलब मार्केट में जितनी भी अवेलेबल है बुक्स, कहीं से भी ये कम नहीं है पुस्तक, किसी भी एंगल से कम नहीं,